इससे पहले हमारी लास्ट वीडियो थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसकी ट्रिक थी काम क्रिगो, जिसमें का से कावेरी, मौ से महानदी, किस से कृष्णा, गो से गोदावरी, जिसमें मैंने कहा था कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और गोदावरी को बृद गंगा भी कहते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो हमारी अब है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां, नेक्स्ट ट्रिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अभी मैं ये वीडियो जोशीमठ में शूट कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ठंडा है, इसलिए जैकेट पहनी हुई है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों पे हम ट्रिक, इस ट्रिक पे हम वीडियो बना रहे हैं अभी। इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक क्या होगी, सांता मालू, सांता मालू, सांता मालू, ठीक है, सांता मालू, सा नौ ता मा लू, जस्ट गैस करो सा से क्या होगा, अरब सागर यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो भी अरब सागर में गिरती है ये नदियां उनके नाम है, ठीक है, सा से साबरमती, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती नदी कहां से निकल, गुजरात, ठीक है, तो साबरमती से नर्मदा, ता से ताप्ती, माही और लू से लूनी। अब क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इनमें से जो भी नदी आएगा आपको, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है या भारत के दक्षिण पश्चिम में गिरती है, तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर में गिरेगी। तो ये नदियां हैं जो आप याद रख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं और निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कौन सी है, ठीक है, तो नोट करिए, टेक योर टाइम, जस्ट नोट। जो हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा विश्व के 11 देशों वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी होती है हमारी, कर्क रेखा, मकर रेखा और बीचों बीच कौन सी रेखा जाती है, भूमध्य रेखा, ठीक है, और एक इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, जो विश्व की समय मानक रेखा भी होती है, जो हमारे कहां से होता है, विश्व का लंदन से होता है और भारत का कहां से होता है, इलाहाबाद के नैनीसैनी से होता है, ठीक है। तो हमारा जो समय है क्या है, 5.5 घंटे आगे, उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा समझाया जाएगा अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, देशांतर रेखाएं कितनी होती है,
अक्षांश और देशांतर के बीच का अंतराल कितना होता है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस सब पे वीडियो बनाई जाएगी। अभी हमारी भूमध्य रेखा विश्व के 11 देशों व 3 महाद्वीपों से गुजरती है। अब कौन कौन से देश है उसमें ट्रिक है, भूमध्य रेखा विश्व के 11 देशों व 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा का मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, कर्क रेखा पे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी, गुराम छजा पमित्री, गुजरात से लेकर के लास्ट ईस्ट में पमित्री त्रिपुरा से होकर के बढ़ती है आगे को, तो वो मैंने बताया था। यही इसी प्रकार भूमध्य रेखा विश्व के 11 देशों से और 3 महाद्वीपों, क्वेश्चन आ सकता है भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 11 देशों से, या भूमध्य रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो 3 महाद्वीप। निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, निम्नलिखित में से भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो किसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें पहला है दक्षिणी अमेरिका, पहला क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देशों से होकर गुजरती है, उसकी ट्रिक है, कोई ब्रह ठीक है, कौन से हो गया, कोलंबिया, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कितने देशों से होकर गुजरती है, 3 देशों से, जिसकी ट्रिक है कोइब्रा, कोलंबिया, इक्वेडोर और ब्राजील, तो नोट करिए इसे। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का ट्रिक है अफ्रीका महाद्वीप की ट्रिक है जांगे काकी यूसो, जांगे काकी यूसो, जांगे काकी यूसो, जांगे जांगे का की यू सो, जांगे काकी यू शो, जांगे काकी यू शो, जायरे गैवान कांगो कीनिया युगांडा और सोमालिया, तो ये थी आपकी ट्रिक। अफ्रीका महाद्वीप से गुजर कितने देशों से गुजरती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहां कितने देश हो गए, 6 देशों से, यहां कितने हो गए, 3, 6, 3, 9। अभी ये नेक्स्ट, पहले इसका नोट करिए फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूं।
ठीक है। तीसरा यहीं पे लिख देता हूं मैं, एशिया महाद्वीप। एशिया में एशिया का ट्रिक है, ट्रिक क्या है, इम्मा इम्मा, ई से और मा से क्या हो सकता है, जस्ट गैस, छह ये हो गए, तीन हो गए, दो ग्यारह, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव, इंडोनेशिया और मालदीव। तो ये था भूमध्य रेखा भारत के विश्व के 11 देशों व 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 11 देश किसमें, 3 देश किसमें हो गए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, 6 देश अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में 2 देश, ठीक है। पहला था दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कोइब्रा, ट्रिक क्या है, कोइब्रा, को से कोलंबिया, ई से इक्वेडोर और ब्रा से ब्राजील। अफ्रीका महाद्वीप में है जांगे काकी यूशो, जांगे काकी यूशो का है जायरे, गैबान, कांगो, कीनिया, युगांडा, सोमालिया। फिर एशिया महाद्वीप जो हमारा है, इम्मा, इंडोनेशिया और मालदीव। तो ये थे 11 देश जो विश्व के जहां से कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। तो जस्ट नोट करिए इसको, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, एक बात और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। ये अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप क्या है, एक ऐसा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा वो भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे भी नोट करिए। ओके, एक सूत्र है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इसे ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने। तो ईंट का हो गया, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रॉसे जेम्स रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने की थी ना। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक ने, चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ये ट्रिक है ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ये ट्रिक है, नोट करिए इसे भी। फिर नेक्स्ट,
नेक्स्ट ट्रिक है एल ए एल लाल बटा के ए लाल बटा का का एल ए एल लाल बटा के ए लाल बटा का साइन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट साइन थीटा कॉस थीटा और कोसेक सेक और कॉट साइन बराबर क्या होता है इसको ऐसे करके लेना है साइन लंब बटा कर्ण लंबटा कर्ण फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा फर्स्ट हो गया क्या ये फर्स्ट ही हो गया साइन बराबर लंबटा कर्ण कॉस का क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण आधार बटा कर्ण टेन का क्या हो जाएगा लंबटा आधार लंबटा आधार अब आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट ठीक है तो इनको उल्टा कर देना है ठीक है तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब साइन का क्या हो रहा था लंब बटा कर्ण तो कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा जैसे एक दो तीन ही हो गए अब चौथा ये है पांचवा ये है और छठवा ये है तो इसको पांच छ चार पांच छ चार पांच और छ फोर सिक्स पर ठीक है तो अब इसका क्या हो जाएगा ठीक उल्टा हो जाएगा चौथे का क्या हो जाएगा फर्स्ट दोबारा शुरू कर्ण बटा लंब लंब और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है तो कॉस का क्या था आधार बटा कर्ण तो कॉस सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट टेन का था लंब बटा आधार तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा लंब ठीक है लाल बटा कक्का साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब उल्टा कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण तो कॉस का उल्टा होता है सेक तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार टेन का उल्टा क्या होता है कॉट टेन का क्या होता है लंब बटा आधार तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब तो नोट करिए इसको ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो का इन ट्रिक्स का लाभ ले सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो